हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको इसका बेसिक बताया है एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस मेथड्स बताए हैं तीन, जो कि है एलसीएम, फ्रैक्शन और परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो आपको जो इजी लगता है आप उस क्वेश्चन में वो यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर देखूँगी कि क्वेश्चन में सुइटेबल कौन सा है, किससे आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो इजीली और बहुत ही शॉर्ट मेथड से निकल जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी कि क्या बोला है कि ए और बी जो जब काम करते हैं साथ में तो वो एक काम को फिनिश कर देते हैं 12 डेज में, वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। यानी कि अगर बी अकेला वो काम को करे तो वो 30 डेज में ख़त्म कर देगा। तो इन हाउ मैनी डेज कैन ई अलोन फिनिश द वर्क, तो कितने डेज में ए जो है वो अकेला काम ख़त्म कर देगा। देखो, आप ये क्वेश्चन बुक से भी देख के कर सकते हो और मैं यहाँ पर बुक का एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड यूज़ करें, कैसे ए और बी जो है वो क्या करता है कि काम को 12 डेज में ख़त्म करता है। अब मैं आपको यहाँ फ्रैक्शन मेथड भी समझा देती हूँ और एलसीएम मेथड भी, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। देखो, ए और बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो वो 12 डेज में काम ख़त्म करते हैं। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, यानी कि एक दिन में ए और बी कितना काम ख़त्म करेंगे, 1/12। यही एक्सप्लेन करा था ना मैंने फ्रैक्शन मेथड में कि भाई अगर ए और बी है वो टोटल वर्क जो है 12 डेज में ख़त्म करेंगे तो भाई एक दिन में, सिर्फ एक डे की बात कर रही हूँ, एक डे में कितना काम ख़त्म करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल विच इज़ 1/12। अगर वहीं आपसे पूछा था 5 डेज में कितना करेंगे तो 1 डे इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी कि एक दिन में जितना काम कर रहे हैं वो इंटू कर दो नंबर ऑफ डेज में, दैट विल बी योर आंसर। राइट, अब देखो, बी अलोन डू द वर्क इन 30 डेज, यानी कि बी अकेला 30 दिन में काम करता है। तो भाई बी अकेला अगर 30 दिन में काम ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर आप नंबर ऑफ डेज सेम कर दोगे ना तो उसे काफ़ी ईजी होगा। कैसे, आपको पता है एक दिन में ए और बी मिल के 1/12 काम करते हैं, और ये भी पता है कि एक ही दिन में बी कितना काम ख़त्म करता है, 1/30। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, यानी कि 1/12 और -1/30 कर दोगे, तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट होगा, इससे आपका सब्ट्रैक्ट होगा बी का काम। कैसे भाई, आप क्या कर रहे हो, बी और ए और बी मिलके जो काम करते हैं उसको किससे उससे क्या माइनस कर रहे हो, बी का काम विच इज़ 1/30। राइट, अगर आप ए और बी का काम जो एक दिन में कर रहे हैं उससे बी का काम माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए एक दिन में काम कितना करता है, ए एक दिन में 1/20 काम करता है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेता है, जस्ट ऑपोजिट टू दिस, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जस्ट, यानी कि ए एक दिन में 20 डेज काम करता है। तो फ्रैक्शन मेथड से तो इस तरीके से आएगा, बट अगर हम एलसीएम मेथड देखें तो वहाँ पर कैसे होगा, ए और बी काम मिलके काम करते हैं 12 डेज में, बी अकेला काम करता है 30 डेज में, तो मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगी विच इज़ 60। अच्छा ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 60 है, तो अब 60 / 12 करूँगी तो ये होगा 5, और वही यानी कि 60 है आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करोगे आप तो एक दिन में कितना 2 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करूँगी, पर यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूँगी, बाय, बिकॉज मुझे पता करना है कि ए का काम, तो अगर मैं ए और बी के काम से मैं बी का काम माइनस कर दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा ए एक दिन में 3 काम करता है। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल नंबर ऑफ वर्क है 60, देन आई विल डू 60 / 3। राइट, अगर मैं 60 / 3 करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल काम विच इज़ 60, उसको ए जो एक दिन में 3 काम करता है कितने नंबर ऑफ डेज लेगा, विच इज़ 20। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट है, प्रफुल हैज़ डन हाफ ऑफ द जॉब इन 30 डेज। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि प्रफुल जो है वो क्या कर रहा है, आधा काम 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। अगर आधा काम 30 दिन में ख़त्म करेगा तो एक काम
कितना डेज में ख़त्म करेगा, कुछ नहीं करना, ये हाफ़ का 1 यहाँ रखो और 2 यहाँ ले जाओ, विच मीन्स 60 डेज़ में, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं। अगर प्रफुल आधा काम 30 दिन में ख़त्म करेगा तो पूरा 60 डेज में, ओके। सरबजीत कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 10 डेज, रेस्ट ऑफ द जॉब कितनी है, हाफ ही तो बची, अगर उसने हाफ काम ख़त्म कर दिया तो हाफ ही बची, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब, यानी कि अगर वो साथ में काम करे तो कितने डेज में वो ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो पहले बुक का देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। प्रफुल कैन कंप्लीट फुल जॉब इन 60 डेज और वहीं पर सरबजीत का उन्होंने 20 डेज दे दिया। अब आपको पता है कि कैसे आया ये, राइट? अगर हाफ काम वो 30 डेज में ख़त्म कर रहे हैं तो मैं क्या इक्वेशन, यानी कि हाफ इक्वल्स टू 30, देन व्हाट इक्वल्स टू, मतलब व्हाट इक्वल्स टू 1, 1 को हम यही रखेंगे नीचे, डिनोमिनेटर का 2 मैं उधर ले जाऊँगी और 60 बन जाएगा, वैसे सिमिलरली 20, ठीक है। प्रफुल जो है वो टोटल काम 60 डेज में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/60, ऑब्वियस सी बात है, राइट? वहीं पर सरबजीत अगर पूरा काम 20 डेज में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखना जब माइनस करोगे, अभी तो यहाँ प्लस है बट जब माइनस करोगे तो ये चीज़ ध्यान में रखना कौन सा आपका छोटा नंबर बन रहा है और कौन सा बड़ा नंबर बन रहा है, राइट? माइनस में मत ले आना क्योंकि माइनस में तो ना डेज आता है ना वर्क आता है, ओके, ठीक है। अगर दे कंबाइन, अगर दे आर कंबाइंड 1 डे वर्क, अब उन दोनों का कंबाइन क्योंकि आपको निकालना क्या, अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ डेज लेंगे, राइट? यू नो कि नंबर ऑफ़ डेज इज़ इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट नंबर, द अमाउंट ऑफ वर्क, राइट? तो अगर वो दोनों मिल जाए और एक एक दिन का काम मैं अगर उनका ऐड करूँ, यानी कि एक दिन में जो प्रफुल है वो 160 काम करता है और यानी कि 1/60 और जो सरबजीत है वो 1/20, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को पता चला कि एक दिन में वो 1/15 काम करते हैं, राइट? एक दिन में कितना करते हैं, 1/15, तो भाई अगर एक दिन में वो 1/15 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, 15, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑपोजिट है उसका, राइट? अब यही चीज़ मैं अगर फ्रैक्शन मेथड से देखूँ तो कैसे करूँगी, देखो प्रफुल का मुझे पता चल गया प्रफुल एक दिन में कितना काम करता है, 60 काम करता है, सरबजीत एक दिन में कितना करता है, 20 काम करता है, एलसीएम निकालूंगी, एलसीएम निकलेगा 60, ठीक है, एलसीएम 60 निकला तो प्रफुल अगर 60 डेज में काम ख़त्म करता है और काम कितना है 60 है, यानी कि एक दिन में वो एक काम कर रहा है। सरबजीत अगर 20 डेज में काम ख़त्म करता है, टोटल नंबर ऑफ़ वर्क इज 60, देन वो एक दिन में 3 काम होता है, एक दिन में 3 काम करता है, टोटल नंबर ऑफ़ वर्क अगर दोनों का मिलाऊं तो एक दिन में वो 4 काम करेंगे अगर साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क है मेरा 60, एक दिन में वो कर रहे हैं 4, तो कितना डेज लगेगा उनको टोटल वर्क ख़त्म करने में, तो 60/4, राइट, विच इज़ 50। तो ऐसे आप कर सकते हैं एलसीएम मेथड से, राइट? ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज and B can do the same work in 3x days. To finish the work together, they take 12 days. What is the value of x? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको x में इंफॉर्मेशन दी है, आपसे बोला है कि A जो है वो एक काम ख़त्म करता है x days में, वही जो B है वो उसका 3 गुना लेता है, यानी कि 3x लेता है, ठीक है। अगर ए जो है एक्स डेज में काम ख़त्म करता है, बी जो है वो 3x डेज में काम ख़त्म करता है, तो भाई वो टोटल काम नहीं, यहाँ पर दिया है कि अगर वो दोनों साथ में मिले तो वो 12 डेज में काम ख़त्म करते हैं, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप कैसे देखो, यहाँ पर देखो आपको दिया है एक दिन का काम, नहीं आपको टोटल नंबर ऑफ़ डेज दिए हैं, तो आप पहले निकालोगे कि भाई अगर वो टोटल नंबर ऑफ़ एक्स डेज लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ 3x डेज लेता है बी, तो एक दिन में वो कितना काम करते होंगे। ऑब्वियसली बात है, ए एक दिन में 1/x काम करता होगा, बी एक दिन में 1/3x काम करता होगा, ओके। अगर वो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 1/x प्लस 1/3x विच विल बी इक्वल टू 4/3x इतना काम करेंगे। अब ये काम किसके इक्वल होगा, ये काम होगा 1/12 के इक्वल, क्यों? मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, मैंने निकाला है ए और बी टोटल मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे वर्क 12 डेज, यानी कि दोनों मिलके काम करें और वो
जो है काम ख़त्म करने के लिए वो साथ में मिलके काम करते हैं और वो 12 दिन लेते हैं। अगर साथ में मिलके वो काम करने के लिए 12 डेज लेते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करते होंगे, 1/12 काम करते होंगे, राइट। और 1/12 किसके इक्वल है, 4/3x के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने निकाला कि a प्लस बी कितना आया मेरा, 4/3x। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगी, x की वैल्यू विच इज़ 16, राइट। यानी कि a जो है वो 16 डेज लेता है काम करने के लिए और b जो है वो कितने लेता है, 48 डेज, राइट। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखिए, a कम्प्लीट्स 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 डेज, b कम्प्लीट्स 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। हाउ मैनी डेज विल दे कम्प्लीट, हाउ मैनी डेज विल दे कम्प्लीट डूइंग द वर्क टुगेदर। बहुत इजी क्वेश्चन। एक आपको बोला है कि 1/3 काम करता है 5 डेज में, तो ए एक काम कितना करेगा, कितने डेज में करेगा, 15 डेज में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहीं पर आपको बोला है कि बी जो है वो 2/5 काम करता है 10 डेज में, इससे कैंसिल आउट होगा। तो एक काम बी कितना डेज में करता है, 25 डेज में, राइट। ये सबको समझ आया, ठीक है। अगर ये बात है तो आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट डूइंग द वर्क। अब अगर ए एक काम को 15 डेज में ख़त्म करता है और वहीं पर बी जो है वो वही काम को कितने, 25 डेज में कंप्लीट करता है, तो यहाँ आपको एलसीएम लेके इन दोनों का एक एक डेज का काम निकालना है। एक एक डेज का काम निकालोगे तो दोनों का टोटल वर्क आ जाएगा जो एक दिन में करते हैं, उसको क्या करना है, टोटल वर्क से डिवाइड करना है। दैट्स इट एंड दैट विल बी योर आंसर। अब अगर यहाँ पर देखिए तो बुक में कैसे करा है, बुक में फ्रैक्शन मेथड से करा है। कैसे भाई, अगर एक 5 डेज में वर्क करता है कितना, 3/5, तो एक डे में कितना करता होगा, 1/15। कैसे, पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेता है, 15 लेता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, राइट। नेक्स्ट है आपका बी का, बी अगर 2/5 काम 10 डेज में करता है तो टोटल काम 125 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25 करेगा, ठीक है। अब दोनों मिलके काम करेंगे, यानी कि ए एक दिन में अगर 1/15 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1/25 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 8/75 काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, 8/75, मैंने दोनों के एक दिन के वर्क को ऐड कर दिया, मेरा आंसर आया 8/75, ठीक है। अब अगर वो एक दिन में 8/75 काम कर रहे हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे, उसका जस्ट ऑपोजिट या रेसिप्रोकल कितना आएगा, 75/8, एंड विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमेशा क्या करना है, पहले देखो आपको पता है कि आपका डिनोमिनेटर में जो है वो 8 आया है, कैसे करोगे, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो डिनोमिनेटर में 8 आया, तो पहले डी ऑप्शन हटा, फिर सी ऑप्शन हटा, फिर ए ऑप्शन हटा, क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर में तो 8 है ही नहीं, राइट। तो आपका एलिमिनेशन से क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब 5 में क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी कि ए जो है वो एक काम को 4 डेज में करता है, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 12 डेज। अच्छा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, यानी कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, यानी कि वो जब टुगेदर, यानी कि जब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। आई होप अभी तक तो सबको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा, यानी कि जब वो साथ मिलके काम करेंगे तो वो कितने नंबर ऑफ़ डेज लेंगे, राइट। कितने नंबर ऑफ़ डेज लेंगे जब वो साथ में, अब यहाँ पर तो कोई डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ करना है भाई, ए एक दिन में 4 काम करता है, सॉरी ए जो है टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने लेता है, 4, वहीं पर बी टोटल नंबर ऑफ़ डेज लेता है 12, दोनों का एलसीएम आएगा 12, अगर 12 एलसीएम है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्क वो कर रहे हैं एक दिन में 4, देन विल डू 12/4 एंड दैट विल बी योर आंसर विच इज़ 3, यानी कि वो कितना नंबर ऑफ़ डेज लेंगे, 3 नंबर ऑफ़ डेज लेंगे टू डू द वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन में उन्होंने एलसीएम मेथड यूज़ करा है, राइट।
क्वेश्चन में एलसीएम मेथड यूज़ करा है, कैसे भाई ए एक दिन में, अगर ए एक टोटल नंबर ऑफ डेज लेता है 4 टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, देन हाउ मच वर्क हिल डू इन वन डे, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो 1/4 काम करेगा, ठीक है। अगर बी जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेज लेता है 12, तो एक दिन में बी कितना करेगा, 1/12 करेगा, ठीक है। अब दोनों के एक दिन का आ गया, तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों मिलके कितने डेज लेंगे, दोनों मिलके डेज लेंगे, दोनों का एक दिन का वर्क को ऐड करोगे तो दोनों मिलके डेज लेंगे 1/3, ठीक है। अब अगर 1/3 काम कर रहे हैं वो एक दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ डेज लेंगे 3। अभी समझ आया, इजी था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।